हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एकेडमी। बच्चों, क्या हालचाल है? तो बच्चों, हम लोग पढ़ने वाले हैं आज कॉकरोच। तो बच्चों, कॉकरोच के बारे में देखते हैं सबसे पहले कि ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये एक कॉमन अमेरिकन कॉकरोच जो है उसकी बात कर रहे हैं हम। पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना की बात हम करेंगे यहाँ पर। तो बच्चों, स्टार्ट करने से पहले यदि हम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो कौन से किंगडम से बिलोंग करता है ये किंगडम? एनिमेलिया से। और एनिमेलिया किंगडम के अंदर फाइलम कौन सा है इनका? बच्चों, इनका फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं। और बच्चों, इनके अंदर थ्री पेयर लेग्स हैं, यानी सिक्स लेग्स हैं। उसके अकॉर्डिंग यदि हम इनका क्लास देखें तो क्लास कौन सा होगा बच्चों? क्लास होगा इंसेक्टा। क्लास इंसेक्टा होगा। देन यदि मैं आपको ऑर्डर भी बता दूं तो ये जो अमेरिकन कॉकरोच है बच्चों, उसका ऑर्डर होता है ब्लेटोडी या ब्लेटोडिया। ठीक है बच्चों। और फैमिली, यदि हम इनकी फैमिली देखें तो फैमिली कौन सी हो जाएगी? ब्लैटिडी हो जाएगी बच्चों। ये आप बहुत आसानी से याद रख सकते हो यदि आपको पता हो कि ब्लैटा एक कॉकरोच होता है, छोटे साइज का कॉकरोच होता है। तो वहां से आप ब्लैटिडी जो है वो फैमिली का नाम ध्यान रख सकते हो, ऑर्डर ब्लैटोडिया भी ध्यान रख सकते हो। और हम जो कॉकरोच की डिटेल पढ़ने वाले बच्चों, ये जो कॉकरोच है ये कौन सा है? ये है पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना कॉकरोच जो है बच्चों, उसकी डिटेल हम यहां पर देखने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहले यदि हम बात करें तो ये कॉकरोच नॉर्मली कैसे होते हैं? इनका कलर कॉमनली यदि हम देखें तो ब्राउन और ब्लैक कलर्ड होते हैं। ये ब्राउन और ब्लैक कलर्ड होते हैं। ठीक है बच्चों, कुछ कॉकरोच जो है वो अलग अलग कलर के भी मिलते हैं। कई बार रेड और ग्रीन कलर के कॉकरोच जो है वो भी मिलते हैं। मेनली कहां पर होंगे बच्चों? मेनली प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट इन ट्रॉपिकल रीजन। कहां पर होंगे? ट्रॉपिकल रीजन्स हैं वहां पर प्रेजेंट होते हैं। बच्चों, कॉमनली हम देखते हैं कि जो घरों में ये कॉकरोच जो है वो बहुत ज्यादा कॉमनली देखे जाते हैं। ठीक है, इनके साइज की यदि हम बात करें तो साइज भी काफी वेरी करता है। कितना साइज होगा बच्चों? यदि हम डिफरेंट टाइप के जो कॉकरोच है उनके साइज की बात करें तो 1/4 इंचेस 2-3 इंचेस तक इनका साइज हो सकता है। तो ठीक है बच्चों, देख रहे हो आप कि डिफरेंट साइज के होते हैं। बहुत बड़े साइज के भी हो सकते हैं, बहुत छोटे साइज के भी हो सकते हैं। और बच्चों, बॉडी के अंदर यदि हम बात करें तो बॉडी आप यहाँ पर डायग्राम पे देख रहे हो बच्चों, इनका बॉडी जो है वो काइटिनस जो कवरिंग है उससे ढका हुआ होता है। और किस तरीके से होता है यहाँ पर देख रहे हो, हेड जो है वो कंसील्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और बच्चों, मोस्टली हम देखते हैं कहाँ पर मिलते हैं? डैम्प प्लेसेस जो है उसके वहां पर कॉमनली देखने को मिलते हैं। हाउस जो है, घरों में भी आपने देखा होगा कि किचन के अंदर या टॉयलेट्स वगैरह जो है उनके अंदर ये कॉमनली हमें मिल जाते हैं। ठीक है बच्चों। देन इसके बाद में ये जो कॉकरोच होते हैं बच्चों, वो नॉक्टर्नल टाइप के एनिमल है। रात को एक्टिव हो जाते हैं, नॉक्टर्नल टाइप के एनिमल है। और कैसे होते हैं बच्चों? ये ओमनीवोरस होते हैं। और कर्सोरियल टाइप के एनिमल है। कर्सोरियल एनिमल क्या होते हैं बच्चों? कर्सोरियल एनिमल्स वो होते हैं जो बहुत तेजी से भाग सकते हैं। तो कर्सोरियल एनिमल जो है वो होते हैं। ठीक है बच्चों। और इनकी स्पीड जो होती है वो काफी ज्यादा होती है बच्चों। 1 सेकंड में ये लगभग 1 मीटर से भी ज्यादा डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है तो बच्चों, और ये कॉमनली पेस्ट है हाउस के अंदर देखते हैं हम। और डिजीज वगैरह जो है वो भी कैरी कर सकते हैं या उनको भी स्प्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना जो है बच्चों, उसकी बात कर रहे हैं कि पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना जो होगा उनका क्या साइज होता है, कैसे होते हैं वो। तो बच्चों, यहाँ पर पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना का एक डायग्राम आप यहाँ पर देख पा रहे हो। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पर देखने वाले वो क्या है? इनकी मॉर्फोलॉजी। क्या देखेंगे हम? मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नली ये कैसा होता है बच्चों। पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना के साइज की बात करें, अभी तो हमने देखा था एक जनरल कॉकरोच के साइज क्या हो सकते हैं। यदि हम पर्टिकुलरली पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना के साइज की बात करें तो इनका साइज जो है अराउंड 34 mm टू 53 mm लॉन्ग इतना होता है। ठीक है बच्चों, ऐसा होता है साइज। और बच्चों, इनकी बॉडी जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होती है? इनकी बॉडी जो है बच्चों वो हम मेनली देखते हैं कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से हैं वो 3 पार्ट्स? इनकी बॉडी के अंदर जो 3 पार्ट्स होते हैं वो होता है एक हेड,
दूसरा होता है बच्चों थोरेक्स और एब्डोमेन। हेड थोरेक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड होता है। बच्चों यहां पर आप डायग्राम में देख पा रहे हो कि ये वाला पार्ट जो है वो हेड है, हेड, ठीक है बच्चों, और थोरेक्स है। थोरेक्स वाला रीजन जो है वो आगे हेड को भी थोड़ा सा कवर करता है, और यहां पर प्रोथोरेक्स के थ्रू ये अटैच होता है, यानी यहां पर थोरेक्स का कुछ पार्ट जो इसे अटैच करता है हेड से, उसे हम प्रोथोरेक्स बोलते हैं। और प्रोथोरेक्स जो है बच्चों फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ही अपना हेड जो है उसे अच्छे से मूव कर सकता है, काफी ज्यादा मूव कर सकता है, ठीक है बच्चों। तो ये होगा हेड वाला पोर्शन। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट यदि हम बात करें तो यहां पर आप देख रहे हो कि जो बॉडी है उसके अंदर थोरेक्स वाला पोर्शन है। थोरेक्स के अंदर क्या होता है बच्चों, प्रोनोटम या प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स, ऐसे तीन पार्ट होते हैं। यानी हेड के अंदर काफी सारे पार्ट्स होंगे, हम डिटेल में भी देखेंगे बच्चों, और थोरेक्स के अंदर देख रहे हैं हम थ्री मेन पार्ट्स हैं। कौन कौन से हैं वो थ्री मेन पार्ट्स, वो है बच्चों प्रोथोरेक्स, प्रोथोरेक्स और मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। तो ऐसे हो। और एब्डोमेन जो है बच्चों, इनके एब्डोमेन में यदि हम सेगमेंट्स की बात करें कि आखिर एब्डोमेन में कितने सेगमेंट्स होते हैं, तो बच्चों इनका जो एब्डोमेन होता है उसके अंदर हम देखेंगे कि वहां पर ये 10 सेगमेंट्स जो हैं उसमें डिवाइडेड होता है, मेल और फीमेल दोनों में, ठीक है। तो ये तो बात हुई किसकी, बॉडी पार्ट की, कि हेड थोरेक्स और एब्डोमेन है। हेड जो होता है उसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, अभी डिटेल में देखेंगे। थोरेक्स के अंदर प्रोथोरेक्स, जिसको हम प्रोनोटम भी बोल रहे हैं बच्चों, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स, मीजोनोटम और मेटानोटम भी बोल सकते हैं। तो ऐसे तीन पार्ट होते हैं, और एब्डोमेन जो है उसके अंदर 3 सेगमेंट होता है, ठीक है बच्चों। अब ये जो बच्चों यहां पर आपको दिख रहा है, ये किसका बना हुआ है, काइटिन का बना हुआ है, काइटिन का एक्सोस्केलेटन है इसके अंदर, ठीक है बच्चों। तो ये जो काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है, ये कुछ हार्ड प्लेट्स की फॉर्म में होता है, यानी इनका काइटिनस एक्सोस्केलेटन जो है बच्चों वो किस, उसको हम और क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं स्क्लेराइट्स। क्या बोल देते हैं, स्क्लेराइट्स, ठीक है बच्चों। और ये जो स्क्लेराइट्स होता है, ये जो आपको स्क्लेराइट्स दिख रहा है, इसमें यदि हम बात करें इसको डॉर्सल और वेंट्रल पार्ट पे क्या बोलते हैं, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है इसमें तो डॉर्सल पार्ट जो है आपको दिख रहा है, तो यहां पर बच्चों डॉर्सली इसे बोल देते हैं हम टर्गम या टर्गाइट्स। क्या बोल देते हैं, टर्गाइट्स। और वेंट्रली, वेंट्रली हम इसको क्या बोल देते हैं, स्टर्नाइट्स। क्या बोल देते हैं, स्टर्नाइट्स। तो डॉर्सली टर्गाइट्स और वेंट्रली, यानी ये डॉर्सल साइड पे जो काइटिनस प्लेट है उसे हम टर्गाइट्स बोल देते हैं, और वेंट्रल साइड पे जो प्लेट है बच्चों उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम स्टर्नाइट्स बोल देते हैं। और बच्चों ये जो टर्गाइट और स्टर्नाइट्स हैं, ये बहुत सारे हैं, देख पा रहे हो आप, बहुत सारे सेगमेंट्स की फॉर्म में हैं, और आपस में जुड़े हुए हैं। आपस में जुड़े हुए हैं किससे, तो बच्चों एक फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन होती है, यानी ये किससे जुड़े होते हैं, जॉइंटेड बाय आर्टिकुलर, और आर्टिकुलर मेम्ब्रेन जो फ्लेक्सिबल टाइप का होता है, और इसे हम क्या बोल देते हैं, इसे हम आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन्स। तो उसके थ्रू जो है बच्चों ये आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है बच्चों। और यहां पर इस डायग्राम को यदि आप ध्यान से देख रहे हो बच्चों, तो इसमें आपको और क्या दिख रहा है बच्चों, यहां पर आपको दिख रहे हैं विंग्स, जो कि ये प्रोथोरेक्स वाला पोर्शन है, यहां से विंग निकल रहा है, और मेटाथोरेक्स जो है वहां से, सॉरी मेटाथोरेक्स वाला पोर्शन और मीजोथोरेक्स वाला जो पोर्शन होता है वहां से इनके विंग्स जो है वो अराइज होते हैं। ये जो यहां पर मीजोथोरेक्स से विंग निकल रहा है बच्चों, उसे हम क्या बोल देंगे, मीजोथोरेसिक विंग, यानी ये टेगमीना जो है बच्चों, यहां पर जो आप देख पा रहे हो क्या, टेगमीना, ये टेगमीना क्या है, टेगमीना जो है वो मीजोथोरेसिक विंग है। यहां पर ये टेगमीना जो है बच्चों, ये क्या है, ये मीजोथोरेसिक विंग है। और बच्चों ये मीजोथोरेसिक विंग जो होता है वो कैसा होता है, ये लेदरी टाइप का होता है, थोड़ा हार्ड होता है बच्चों, ये इसको प्रोटेक्शन देगा, फ्लाइट में हेल्प नहीं करेगा, जबकि हाइंड विंग को प्रोटेक्शन दे रहा है बच्चों। और यदि हम हाइंड विंग की बात करें तो ये हाइंड विंग जो है बच्चों, इसे हम क्या बोल सकते हैं, ये मीजोथोरेसिक है, ये मेटाथोरेसिक होगा। कौन सा, मेटाथोरेसिक विंग। मेटाथोरेसिक विंग कैसा होगा बच्चों, ये मेम्ब्रेनस टाइप का होगा, ये होगा मेम्ब्रेनस, और ये क्या करेगा बच्चों, ये इसको फ्लाइट में हेल्प करेगा। तो इस तरीके से विंग्स होती है। और बच्चों विंग्स के लेंथ की भी बात करें तो हम देखते हैं कि मेल जो कॉकरोच है उसके अंदर ये विंग जो है वो थोड़ा लंबा होता है, और जो पोस्टीरियर पार्ट है बच्चों 10 सेगमेंट है, इससे भी ज्यादा एक्सटेंड करता है, और
इसके साथ ही बच्चों यहाँ पर थ्री पेयर जॉइंटेड लेग दिख रहे हैं आपको, और ये जो इसके जॉइंटेड लेग होते हैं वो किस सेगमेंट से निकलते हैं उसके अकॉर्डिंग ये हो सकता है प्रोथोरेसिक लेग, मीजोथोरेसिक लेग और मेटाथोरेसिक लेग। तो ऐसे बच्चों इनके अंदर थ्री पेयर वॉकिंग लेग्स जो है वो भी प्रेजेंट होते हैं और वो सेगमेंट की फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं। क्लियर हो गई बात बच्चों? तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात है कि ध्यान रखना टेगमीना जो होता है वो कैसा है, वो डार्क कलर का है, लेदरी है, और वो क्या कर रहा है बच्चों, वो जो मेटाथोरेसिक विंग है उसको प्रोटेक्शन देने का काम करता है, और मेटाथोरेसिक विंग जो है वो मेम्ब्रेनस है और ये इसको फ्लाइट में हेल्प करने के काम में आता है। ठीक है बच्चों? अब इसके बाद में हम थोड़ा देख लेते हैं बच्चों कि मेल और फीमेल कॉकरोच में मेन डिफरेंसेस क्या होते हैं, क्योंकि इनके अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है बच्चों। तो मेल और फीमेल कॉकरोच जो है उसके अंदर डिफरेंस हम देखते हैं यदि, तो मेल कॉकरोच का जो एब्डोमन होता है बच्चों वो कैसा होता है, लॉन्ग एंड नैरो। कैसा होता है? लॉन्ग एंड नैरो। जबकि फीमेल कॉकरोच जो है बच्चों उसके अंदर एब्डोमन जो है वो कैसा होगा, वो शॉर्ट एंड ब्रॉड होगा। ठीक है, सेगमेंट की यदि बात करें बच्चों तो एब्डोमेन के अंदर मेल में 9 सेगमेंट विजिबल होते हैं। कितने? 9 सेगमेंट विजिबल होते हैं, जबकि फीमेल के अंदर 7 सेगमेंट ही विजिबल होते हैं। इसका रीजन क्या है बच्चों कि यहां पर हम मेल में देखते हैं कि जो टर्गा वाला पोर्शन है उसमें 7th टर्गम जो है वो 8th को कवर कर लेता है, इसलिए हमको क्या हो रहा है 9 सेगमेंट से दिख रहे हैं। जबकि फीमेल के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि 7th टर्गम जो है वो 8th और 9th दोनों को कवर कर लेता है। ठीक है, अब यदि हम बात करें मेल और फीमेल में एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस की, तो एनल स्टाइल का डिफरेंस होता है। मेल के अंदर एनल स्टाइल प्रेजेंट होता है, फीमेल के अंदर एब्सेंट होता है। मेल के अंदर क्या होगा बच्चों, ब्रूड पाउच की यदि हम बात करें तो मेल के अंदर एब्सेंट होगा, फीमेल के अंदर ये जो 7, 8, 9 सेगमेंट है बच्चों ये एक जेनेटल या ब्रूड पाउच का फॉर्मेशन करते हैं, तो यहां पर प्रेजेंट होगा। मेल का एंटीना रिलेटिवली लॉन्गर होता है एज कंपेयर टू फीमेल। ठीक है, और विंग, जैसा कि अभी हमने बताया था कि मेल के अंदर विंग जो है वो एब्डोमेन जो है उससे भी एक्सटेंड करता है, उससे भी बाहर निकल जाता है, जबकि फीमेल के अंदर एक्सटेंड अप टू एंड ऑफ एब्डोमेन होता है। ठीक है, तो ये कुछ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है जिसकी वजह से हमें मेल और फीमेल कॉकरोच जो है उनके अंदर डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब हम और भी पार्ट्स जो है उनको डिटेल में देख रहे हैं यहाँ पर। तो अब हम बात करेंगे जो हेड वाला पोर्शन है उसकी, यानी हम देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर हेड ऑफ कॉकरोच, हेड ऑफ कॉकरोच। बच्चों जब हम कॉकरोच का हेड देख रहे हैं तो सबसे पहले क्या कि ये अटैच्ड है किससे, पहले तो ये किस पोजीशन में होता है बच्चों, ये 90 डिग्री एंगल पे होता है किसके, जो बॉडी है, बॉडी लॉन्गिट्यूडनली सपोज इस टाइप से है तो हेड जो है वो ट्रायंगुलर टाइप का होगा और बॉडी से 90 डिग्री पे प्रेजेंट होगा। तो हेड क्या बोल सकते हैं, हेड इज ट्रायंगुलर इन शेप एंड इट इज प्रेजेंट एट परपेंडिकुलर और 90 डिग्री एंगल टू लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस। ठीक है बच्चों, और 6 सेगमेंट से फ्यूज होकर के बनाया है। नेक जो है उसको हमने प्रोथोरेक्स बोला था, मोटिलिटी काफी ज्यादा होती है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर है क्या क्या चीज बच्चों, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर इनके पास 1 पेयर एंटीना होता है। क्या होता है? एंटीना, जॉइंटेड एंटीना है। ठीक है, जो कि एंटीनरी सॉकेट जो होता है बच्चों या एंटीनल सॉकेट जो होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है बच्चों। एंटीना जो है वो इसका एक रिसेप्टर है, सेंसरी ऑर्गन है, और कैसे काम करता है बच्चों, जो टच के लिए रिसेप्टर होता है, उसके अलावा ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स यहाँ पर होते हैं, और टेम्परेचर के लिए रिसेप्टर होता है, तो एनवायरमेंटल चेंजेस जो भी होते हैं बच्चों उनके लिए रिसेप्टर जो है वो यहाँ पर होता है और ये मूव कर सकता है। इसके साथ में आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर 1 पेयर ऑफ कंपाउंड आई इज प्रेजेंट। ये क्या है? आई है इसका, कैसा? कंपाउंड आई। और ये कंपाउंड आई जो है बच्चों बहुत सारी यूनिट से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ओमेटीडिया बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? यहाँ पर आप देख रहे हो कि कौन सा आई प्रेजेंट है बच्चों, यहाँ पर प्रेजेंट है कंपाउंड आई। कंपाउंड आई का यूनिट जो है बच्चों वो क्या है? ओमेटीडिया। और बच्चों ये ओमेटीडिया जो है इनकी वजह से क्या होता है, अलग अलग इमेजेस बनती है जिनको बाद में यूज किया जाता है एक कॉमन इमेज बनाने के लिए। तो इनका विजन जो है थोड़ा ब्लर्ड होता है, बट एक्यूट टाइप का होगा बच्चों। और जो ओमेटीडिया है इसकी वजह से अब ये जो इनके अंदर विजन होता है उसे हम मोजेक विजन भी बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, इसके अलावा यहाँ पर ऑसिलर स्पॉट जो है वो पास में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऐसा होगा इनका हेड वाला पोर्शन, ये वर्टेक्स वाला पोर्शन है बच्चों। देन फ्रॉन्स होता है, क्लाइपियस होता है, और बच्चों इनके अंदर डिफरेंट माउथ पार्ट जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो माउथ पार्ट है या माउथ जो है इनका वो किसके लिए है बच्चों, ये बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप का है। माउथ पार्ट की अब हम बात करें बच्चों तो किस टाइप का है, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप का माउथ पार्ट है।
ठीक है बच्चों। और इसके माउथ पार्ट जो है उसके अंदर क्या क्या चीजें आती है बच्चों, तो यहाँ पर ये डायग्राम जो है बच्चों इसमें आप देख पा रहे हो कि इसका माउथ पार्ट जो है उसमें क्या क्या आता है। जैसे यहाँ पर इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है बच्चों, यहाँ पर लेब्रम दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर, यहाँ पर आपको दिख रहा है लेब्रम जो कि क्या है, अपर लिप है, यानी इसमें अपर लिप होगा लेब्रम, ठीक है बच्चों। और लोअर लिप जो होगा बच्चों उससे हम क्या बोलेंगे, लेबियम। तो लेब्रम और लेबियम ये बनाता है अपर लिप, ये बनाता है लोअर लिप, और इनके बीच में क्या होता है, हाइपोफेरिंग्स होता है, ठीक है बच्चों। ये अनपेयर्ड है, तीनों स्ट्रक्चर जो माउथ पार्ट है वो कैसे है, अनपेयर्ड है, सिंगल सिंगल है। बाकी यदि हम बात करें मैंडिबल की और मैक्सिला की, तो मैंडिबल और मैक्सिला जो है वो पेयर्ड टाइप का माउथ पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर मैक्सिला जो है बच्चों इसके ऊपर ये मैक्सिलरी पल्प दिख रहे हो आप, लेबियम जो है इसके ऊपर ये लेबियल पल्प दिख रहे हो, ये क्या है, ये है लेबियल पल्प, और ये क्या है बच्चों, ये है मैक्सिलरी पल्प, ठीक है। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर है मैंडिबल में। देखो बच्चों मैंडिबल जो है इसके अंदर दो टाइप के पार्ट है, अभी हमने बोला बाइटिंग च्यूइंग टाइप का माउथ पार्ट है, तो इनके अंदर ये वाला रीजन जो है ग्राइंडिंग रीजन है, और ये नीचे जो आपको बहुत सारे ऐसे कांटे जैसे निकले हुए दिख रहे, क्या है ये, इंसीजिंग रीजन है, यानी कट करने के काम में आएगा और ये ग्राइंड करने के काम में आएगा। तो इस तरीके से डिफरेंट माउथ पार्ट जो है वो इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हमने देख लिया इनका माउथ पार्ट कौन कौन से होते हैं, कौन से पेयर्ड है, कौन से अनपेयर्ड है बच्चों, ये जरूर से ध्यान रखना होगा। देन थोरेक्स के बारे में हमने देख लिया, प्रोथोरेक्स, मिजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स, तीन पार्ट हैं, जिनमें से जो मिजोथोरेक्स है उसके ऊपर मिजोथोरेसिक विंग है जो कि लेदरी है। मेटाथोरेक्स वाला पार्ट हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले, जिसके अंदर मेटाथोरेसिक विंग था वो फ्लाइट में हेल्प करता है। और ये तीनों थोरेसिक सेगमेंट है, यहाँ से हमने क्या देखा, वन पेयर ऑफ लेग्स जो है, वॉकिंग लेग्स जो है वो निकल रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से इनके अंदर डिफरेंट बॉडी पार्ट जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है बच्चों। अब यदि हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करें बच्चों मेल और फीमेल में डिफरेंस की, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले की भी थी बच्चों, देखते हैं अभी क्या हमने बोला था। तो बच्चों देखा था हमने कि जो मेल कॉकरोच होता है उसके अंदर सेवेंथ टर्गम जो है वो एट को कवर करता है, फीमेल में सेवेंथ एट्थ और नाइन्थ टर्गा जो है उसको कवर करता है, ठीक है। और बच्चों इसके अलावा दोनों के अंदर ही हम क्या देखते हैं कि चाहे कोई भी कॉकरोच है तो एब्डोमन वाला जो पोर्शन है वो एब्डोमन कितने सेगमेंट से बना हुआ है, टेन सेगमेंट से उनके अंदर। और बच्चों यहाँ पर फीमेल में क्या होता है, जो फीमेल कॉकरोच है उसके अंदर बच्चों स्टर्ना नंबर सेवेंथ एट्थ एंड नाइन्थ, ये तीनों स्टर्ना जो होती है बच्चों, ये जो स्टर्ना है वो तीनों क्या होती हैं, वो फ्यूज हो जाती हैं, और फ्यूज होकर के क्या बना देती हैं, ये बनाती हैं ब्रूड और जेनाइटल पाउच, यानी सेवेंथ एट्थ और नाइन्थ ये तीनों मिलकर के क्या क्या बना देंगी बच्चों, ये मिलकर के बना देगी ब्रूड पाउच और जेनाइटल पाउच, जेनाइटल पाउच। बच्चों ये जो जेनाइटल पाउच बनता है इसमें एंटीरियरली वहां पर आप देखोगे कि तीन ओपनिंग है, यानी इसका एंटीरियर पार्ट जो होता है बच्चों, एंटीरियर पार्ट हैव ओपनिंग ऑफ, क्या क्या चीजों की ओपनिंग होगी यहां पर, यहां पर एक तो ओपन होता है बच्चों फीमेल गोनोपोर, दूसरा बच्चों स्पर्मेटिकल पोर जो है वो ओपन होगा, स्पर्मेटिकल पोर, और कोलेट्रल ग्लैंड्स होते हैं बच्चों उनकी ओपनिंग होती है, क्या ओपन होता है, कोलेट्रल ग्लैंड्स, तो इनकी ओपनिंग होती है। तो बच्चों यहां पर फीमेल के अंदर क्या समझ में आई बात आपको, कि सेवेंथ एट्थ नाइन्थ स्टर्ना जो है वो क्या करती हैं, वो आपस में फ्यूज हो जाती हैं, और फ्यूज होकर के क्या कर देती हैं, एक जेनाइटल या ब्रूड पाउच जो है उसका फॉर्मेशन करती है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर सेवेंथ जो है वो बोट शेप्ड होता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पर जो जेनाइटल पाउच या चैम्बर जो बना बच्चों उसके अंदर क्या होता है, जो एंटीरियर पार्ट होता है वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर प्रेजेंट होगा फीमेल गोनोपोर, स्पर्मेथिका पोर एंड कोलेट्रल ग्लैंड जो है इनकी ओपनिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है बच्चों। ऐसे ही यदि हम बात करें मेल की, तो मेल के अंदर क्या होता है बच्चों, मेल जेनाइटल पाउच जो है और चैम्बर जो है वो एब्डोमन के पोस्टीरियर पार्ट में होता है, और
यदि हम डॉर्सली बात करें तो 9th और 10th टर्गा से बना होगा और वेंट्रली जो है वो 9th स्टर्नम से बनता है। तो डिफरेंस आ गया कि नहीं आ गया कि मेल के अंदर क्या है, मेल के अंदर जो मेल कॉकरोच है उसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, उसके अंदर हम देख रहे हैं कि जेनाइटल पाउच जो है वो किससे बना हुआ है, जेनाइटल पाउच इज मेड अप ऑफ कौन सा स्टर्ना, 9th जो है वो स्टर्ना से बना होगा, 9th स्टर्ना तो इससे बना होता है। और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो गोनापोफाइसिस है बच्चों या मेल जेनाइटल पोर है वो यहाँ पर ओपन होगा, क्या ओपन होगा, मेल जेनाइटल पोर या फिर इसे हम क्या बोल देते हैं, गोनेपोफाइसिस। ठीक है बच्चों, तो गोनेपोफाइसिस जो है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा और इसके पीछे क्या होगा बच्चों, एनस होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ओपनिंग जो है वो देखने को मिलती है। मेल में जो 9th जो बच्चों स्टर्ना है, इससे आप क्या देखोगे, इससे देखोगे कि शॉर्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो भी प्रेजेंट होता है, जिसे हम बोलते हैं एनल स्टाइल, यानी मेल के अंदर जो है बच्चों वो क्या होगा, एनल स्टाइल जो है वो भी प्रेजेंट होगा। एनल स्टाइल कौन से सेगमेंट पे होता है बच्चों, 9th पे होता है, 10th पे जो और बच्चों ये जॉइंटेड नहीं होता, ये ध्यान रखना। और जो एनल सर्काई है वो 10th जो सेगमेंट है वहाँ से डेवलप होता है और वो जॉइंटेड टाइप का होता है, वो मेल फीमेल दोनों में रहेगा, जबकि एनल स्टाइल जो है वो सिर्फ किसके अंदर मिलेगा, मेल कॉकरोच के अंदर मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस है मेल कॉकरोच और फीमेल कॉकरोच के जेनिटल पाउच में कि वो किस तरीके से बनते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में बच्चों अब हम देखेंगे एनाटॉमी, और एनाटॉमी के अंदर सबसे पहले हम देख रहे हैं कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम। बच्चों जब हम कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम देख रहे हैं तो कंप्लीट है माउथ से लेकर के एनस तक, और 3 पार्ट्स का बना होता है बच्चों। वो 3 पार्ट्स कौन कौन से होंगे, एक होता है फोरगट, दूसरा होता है मिडगट और तीसरा होता है हाइंडगट। तो ये 3 पार्ट्स हैं किसके अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। बच्चों फोरगट की यदि हम बात करें तो फोरगट यहाँ पर डायग्राम में आप देख रहे हो माउथ के बाद में क्या होगा, फेरिंग्स जो है वो एक ट्यूबुलर इसोफेगस में ओपन हो रहा है, वो एक क्रॉप में ओपन हो रहा है जो कि रिजर्वायर है, और बच्चों उसके बाद होता है गीजार्ड। तो इतना पार्ट जो है बच्चों वो फोरगट का है, यानी फोरगट में क्या क्या आ रहा है बच्चों, यहाँ पर फेरिंग्स आ रहा है और इसोफेगस, ठीक है, इसके बाद में क्रॉप, देन गीजार्ड। तो ये सारा का सारा किसका पार्ट है, ये सारा का सारा पार्ट है फोरगट का। ठीक है बच्चों, देन मिडगट की यदि हम बात करें तो बच्चों मिडगट जो है उसे हम मिजेंटेरॉन भी बोलते हैं, और हाइंडगट के अंदर आता है बच्चों क्या क्या, इसके अंदर आता है इलियम, कोलन एंड रेक्टम। तो ये सारे पार्ट हैं किसके, डाइजेस्टिव सिस्टम के। अब बच्चों यहाँ पर देखो डायग्राम के थ्रू हम इन्हें एक बार समझते हैं। माउथ जो है वो ओपन हुआ किसके अंदर, फेरिंग्स के अंदर। ये देखो माउथ किसके अंदर ओपन हो रहा है, फेरिंग्स के अंदर। यहाँ पर ही देख रहे हो बच्चों आप क्या कि 1 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड जो हैं वो प्रेजेंट है, देख रहे हो लिटरली एक सलाइवरी ग्लैंड पेयर ये होता है, दूसरा इस साइड में है, तो ये प्रेजेंट होगा। फेरिंग्स ओपन होता है ट्यूबुलर इसोफेगस के अंदर, ईसोफेगस जो है वो ओपन हो जाएगा सैक लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे हम बोल रहे हैं क्रॉप। क्रॉप क्या है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, और ये ओपन होता है गिजार्ड के अंदर। बच्चों ये जो पूरा का पूरा फोरगट है ये इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्यूटिकल लाइनिंग होती है, और यहाँ पे गिजार्ड जो है बच्चों इसके अंदर हम देखते हैं क्या, 6 काइटिनस प्लेट होते हैं, यानी यहाँ पर गिजार्ड जो है बच्चों, इस गिजार्ड के अंदर क्या होगा, इस गिजार्ड के अंदर हम देखेंगे कि 6 काइटिनस टीथ लाइक स्ट्रक्चर होती है, टीथ लाइक प्लेट्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं बच्चों, जो कि ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं। ये किस में हेल्प करेंगे, ये हेल्प करेंगे, हेल्प्स इन चूइंग या ग्राइंडिंग। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर गिजार्ड। ठीक है, और बच्चों यहाँ पर ग्राइंडिंग फूड पार्टिकल्स जो है उनको ग्राइंड करने का काम जो है वो होता है। ठीक है,
अब फोरगट और मिडगट का जो जंक्शन है बच्चों, यहाँ पर देखो डायग्राम के अंदर फोरगट और मिडगट का जो जंक्शन है, ये है उसका जंक्शन, ये वाला पार्ट। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है बच्चों, यहाँ पर गैस्ट्रिक या हिपेटिक सीका प्रेजेंट होता है, यानी फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे क्या होता है, गैस्ट्रिक या हिपेटिक सीका प्रेजेंट होता है बच्चों। और ये जो हिपेटिक सीका है या गैस्ट्रिक सीका है, उसका क्या फंक्शन होगा, ये जो हिपेटिक या गैस्ट्रिक सीका है, इसका क्या फंक्शन होगा बच्चों, इट सिक्रीट्स एंजाइम। क्या करता है ये, एंजाइम्स को सिक्रीट करता है ताकि डाइजेशन की प्रोसेस जो है वो हो पाए। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से एंजाइम सिक्रीट कर रहा है, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये सिक्रीट करता है डाइजेस्टिव जूस। क्या सिक्रीट करेगा, डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करेगा। ठीक है, अब बच्चों इसके बाद आ जाता है हमारा मिडगट। ठीक है, अब यहाँ पर मिडगट ये आ गया बच्चों, देखो डायग्राम के अंदर, यदि वापस से हम चलते हैं डायग्राम पे, तो यहाँ डायग्राम में आप देख पा रहे हो कि ये आ गया क्या, मिजेंटेरॉन या फिर मिडगट। अब मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे देखो क्या है, यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे से ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे हम क्या बोल देते हैं, मालपीजियन ट्यूब्यूल। यानी यहाँ पर फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे तो क्या था, हेपेटिक सीका था। ठीक है, और ऐसे ही मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे क्या होगा, मालपीजियन ट्यूब्यूल होगा। बच्चों ये मालपीजियन ट्यूब्यूल जो है, या मालपीजियन ट्यूब्यूल जो है, इसका क्या फंक्शन होता है, यहाँ पर मालपीजियन ट्यूब्यूल जो होता है बच्चों, ये मेनली हेल्प करते हैं एक्सक्रीशन में। मालपीजियन ट्यूब्यूल जो है बच्चों, वो किसमें हेल्प करते हैं, ये हेल्प करते हैं एक्सक्रीशन में, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। और बच्चों यदि हम बात करें कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है कॉकरोच के अंदर, तो कॉकरोच जो होते हैं वो यूरिकोटेलिक होते हैं। क्या होते हैं, यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक कैटेगरी में आते हैं, यूरिक एसिड का सिक्रेशन करते हैं, और इसमें हेल्प कर रहा है कौन, हेल्प कर रहा है मालपीजियन ट्यूब्यूल। ठीक है बच्चों, अब ये इसके बाद वाला पोर्शन जो है वो हाइंडगट, और हाइंडगट के अंदर हमने देखा था कौन कौन से पार्ट होंगे, इसके अंदर होगा इलियम, कॉलन और रेक्टम। इलियम, कॉलन और रेक्टम। बच्चों जो हाइंडगट वाला पोर्शन होता है, वो देखते हैं हम रिलेटिवली क्या होता है, ये देख रहे हो ज्यादा ब्रॉड है। क्या होता है, ज्यादा ब्रॉड होता है, और बच्चों ब्रॉडर है, एंड डिफरेंशिएटेड इनटू इलियम, कॉलन एंड रेक्टम, एंड रेक्टम ओपन्स थ्रू एनस। यानी यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर है एनस, जिसके थ्रू ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होता है किसके अंदर, कॉकरोच के अंदर। अब इसके बाद में बच्चों, डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद में नेक्स्ट हम देख रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी ये डायग्राम जो है बच्चों, इसके थ्रू हम समझेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम को, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। बच्चों सबसे पहली बात कि कॉकरोच के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैसा होता है, वो ओपन टाइप होता है कि क्लोज टाइप, यहां पर ओपन सर्कुलेशन प्रेजेंट है, ओपन सर्कुलेशन प्रेजेंट। कैसा होता है, ओपन सर्कुलेशन होता है। बच्चों इसके अंदर हार्ट जो है वो प्रेजेंट है, लेकिन हार्ट कैसा होता है, सिंगल हार्ट, जो कि 13 चैम्बर्ड हार्ट है। कितना, 13 चैम्बर्ड हार्ट जो है वो प्रेजेंट होता है। और बच्चों ये हार्ट है वो मायोजेनिक होता है कि न्यूरोजेनिक होता है, इनका हार्ट जो है वो न्यूरोजेनिक हार्ट होगा, न्यूरोजेनिक हार्ट होगा, यानी जो नर्वस सिस्टम है उसके कंट्रोल में इनका हार्ट होगा। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पर जो बॉडी ऑर्गन होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, वो ये जो साइनस है, हीमोसील है, इसके अंदर होते हैं, मतलब दे आर बाथड इन हीमोसील। और ये हीमोसील के अंदर क्या होता है, हीमोलिम्फ होता है। बच्चों यहाँ पर यदि हम हीमोसील या साइनसिस को देख रहे हैं, तो बच्चों यहाँ पर 3 मेन टाइप के साइनस दिख रहे हैं। एक तो आपको दिख रहा है पेरीन्यूरल साइनस, पेरीन्यूरल साइनस, पेरीन्यूरल साइनस कौन सा होगा बच्चों, ये वाला होगा, जो नर्वस सिस्टम के आसपास ये वाला जो साइनस वाला पार्ट है उसे हम क्या बोलेंगे, पेरीन्यूरल साइनस, ये वाला पोर्शन। ठीक है, ऐसे ही यदि हम हार्ट के आसपास जो साइनस है उसकी बात करें बच्चों, तो ये होगा पेरिकार्डियल साइनस, ये वाला पार्ट जो है वो क्या होगा, पेरिकार्डियल साइनस। तो बच्चों यहां पर डायग्राम में लेबलिंग यदि हम सही से करें, तो ये वाला पार्ट जो है ये क्या है, ये है पेरिकार्डियल
साइनस। और नर्वस सिस्टम के चारों तरफ जो है वो क्या है, वो है पेरीन्यूरल साइनस और ये है पेरीविसरल साइनस। तो तीन टाइप के साइनस आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, कौन कौन से, पेरिकार्डियल जो जहाँ पे हार्ट दिख रहे हो डॉर्सल साइड पे, वहाँ पर जो साइनस है उसे पेरिकार्डियल साइनस बोलेंगे। जो वेंट्रल साइड पे न्यूरॉन जो इनका नर्व कॉर्ड है बच्चों, वहाँ पर जो उसके अराउंड जो साइनस है वो पेरिन्यूरल साइनस होगा, और बॉडी ऑर्गन जिसमें यहाँ पर प्रेजेंट है उन्हें पेरिविसरल साइनस हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा बच्चों, ये जो बॉडी कैविटी है हीमोसील है, इस हीमोसील के अंदर ये यहाँ पर क्या होगा, इसके अंदर प्रेजेंट होता है हीमोलिम्फ। हीमोसील के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, हीमोलिम्फ, हीमोलिम्फ इज प्रेजेंट इन हीमोसील। हीमोसील के अंदर हमने क्या देखा, हीमोलिम्फ प्रेजेंट है। और बच्चों इस हीमोलिम्फ के अंदर क्या होता है, विसरल ऑर्गन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है बच्चों। और ये हीमोलिम्फ किसका बना हुआ है बच्चों, इसका हीमोलिम्फ जो होता है, हीमोलिम्फ इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा, कलरलेस प्लाज्मा इसके अंदर कलरलेस प्लाज्मा है, और क्या होते हैं बच्चों, एंड हीमोसाइट तो इससे बना हुआ है। और बच्चों यहाँ पर अब हार्ट देख रहे हो आप, अभी जैसे बताया मैंने आपको कि इनका हार्ट जो है बच्चों वो कैसा है, इलोंगेटेड है, देख रहे हो इलोंगेटेड है, मस्कुलर ट्यूब जैसा है। और यहाँ पर बच्चों कहाँ से, मिड डॉर्सल लाइन में होता है, थोरिक्स से लेकर के पूरा एब्डोमन तक इस तरीके से ये प्रेजेंट होता है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर ब्लड जो है वो साइनस के अंदर ऑस्टिया के थ्रू होता है, और किस तरीके से पंप होगा कि बच्चों यहाँ पर हार्ट का ये जो हार्ट है इसके अंदर ये ऑस्टिया वाला पोर्शन होता है, यहाँ पर ये जो स्मॉल पोर्शन है बच्चों ये ऑस्टिया देख पा रहे हो आप, यहाँ पर ये जो यहाँ पर जो ओपनिंग है यानी हार्ट का जो बच्चों स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप का है, कुछ इस टाइप का। तो यहाँ पर ये जो ओपनिंग बन रही है, ये जो ओपनिंग बन रही है बच्चों ये है ऑस्टिया, ये है ऑस्टिया, ठीक है। फिर ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा, नेक्स्ट चैम्बर होगा हार्ट का, कुछ इस तरीके से यहाँ पर बनेगा ऑस्टिया। तो इस तरीके से जो ऑस्टिया वाला चैम्बर है बच्चों, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से हीमोलिम्फ जो है वो एंटर हो जाता है, यानी यहाँ से हीमोलिम्फ जो है वो अंदर इस तरीके से एंटर हो जाएगा और आगे की तरफ पुश होगा, ठीक है। यानी ब्लड का फ्लो जो है वो कुछ इस तरीके से आगे होता जाएगा चैम्बर्स के अंदर। तो यहाँ पर ब्लड का फ्लो यदि हम देखें तो ऊपर की तरफ जो है डॉर्सल पार्ट में ब्लड का फ्लो जो है वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। और ये जो एओटा है, एंटीरियर एओटा बच्चों, वैसे तो टू वेसल्स नहीं होते, बट जो एंटीरियर एओटा है ये इसको यहाँ पर क्या होगा, वापस से रिलीज कर देगा। तो इस तरीके से ब्लड का फ्लो जो है वो लोअर पार्ट जो है उसमें एंटीरियर टू पोस्टीरियर डायरेक्शन में होगा, हीमोलिम्फ का जो फ्लो है वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, और अपर पार्ट में हीमोलिम्फ जो है वो हार्ट के थ्रू पोस्टीरियर से एंटीरियर डायरेक्शन की तरफ आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि इनके अंदर ओपन टाइप का सर्कुलेशन प्रेजेंट है, और इनके अंदर मेजर वेसल्स जो है वो नॉर्मली एब्सेंट होती हैं, हार्ट जो है वो ट्यूबुलर टाइप का है, 13 चैम्बर है, हीमोसील प्रेजेंट होता है, बॉडी ऑर्गन्स जो है वो इस हीमोसील के अंदर डूबे हुए होते हैं और वहाँ से ही अपना न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन जो है वो लेते हैं, ठीक है बच्चों। और हार्ट जो है उसके थ्रू ये सर्कुलेट होता रहता है बच्चों। यहाँ पर हार्ट जो होते हैं, जैसे अब ये डायग्राम एनसीईआरटी का डायग्राम देख रहे हैं बच्चों, एंटीरियर एओर्टा है और हार्ट जो है उनसे कनेक्टेड होते हैं क्या, एलरी मसल। तो ये एलरी मसल जो है बच्चों ये कॉन्टैक्ट करते हैं और हेल्प करते हैं किसके अंदर, ब्लड के फ्लो के अंदर। चैम्बर ऑफ हार्ट जो है वो आपको यहाँ पर दिख पा रहा है। तो इस तरीके का सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो देखने को मिलता है किसके अंदर, कॉकरोच के अंदर, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो हम देख रहे हैं बच्चों रेस्पिरेटरी सिस्टम को। तो अब देख रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच के अंदर जब रेस्पिरेटरी सिस्टम देख रहे हैं बच्चों, तो आप देखोगे कि कॉकरोच के अंदर जो बॉडी होती है उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर स्पाइरेकल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी ओपनिंग होती है, स्मॉल होल्स होते हैं, उन्हें हम स्पाइरेकल्स बोलते हैं। कितने होंगे, 10 पेयर होंगे, 10 पेयर्स ऑफ स्पाइरेकल्स, ठीक है बच्चों। 10 पेयर स्पाइरेकल्स जो है वो
प्रेजेंट होते हैं। और ये टेन पेयर में भी यदि मैं बात करूं तो टू पेयर जो है वो कहां पर है, थोरेक्स रीजन में है, एंड एट पेयर जो है बच्चों वो कहां पर है, वो एब्डोमेन रीजन में है। तो इस तरीके से टेन पेयर स्पायरिकल्स होते हैं बच्चों। यहां पर डायग्राम में आप देख पा रहे हो स्पायरिकल्स को, देखो ये तो ट्रेकल रिंग है, ये थोरेसिक स्पायरिकल है, ठीक है, ये देखो टू पेयर हो गए। और उसके बाद में क्या है, उसके बाद में एब्डोमिनल स्पायरिकल है, फर्स्ट एब्डोमिनल एंड एट एब्डोमिनल स्पायरिकल जो है वो है। और इन ये आपस में कनेक्टेड होते हैं किसे, ट्रांसवर्स कमिशर से, लॉन्गिट्यूडनल ट्रेकल ट्रंक से। तो इस तरीके से लेटरल, लॉन्गिट्यूडनल और वेंट्रल, इस तरीके से ट्रांसवर्स कमिशर, ऐसे सब कम्युनिकेशन इनके अंदर बने होते हैं, ठीक है। अब इसको यदि हम थोड़ा डिटेल में देखें बच्चों, तो क्या होता है, हम देखते हैं कि ट्रेकिया जो है उसके अंदर जो ओपनिंग है, लेटरल साइड में ओपनिंग है, जो हम देखते हैं कि ऊपर जो है वो क्या होता है, ऊपर होता है बच्चों टर्गम और नीचे होता है स्टर्नम, और लेटरल साइड में क्या होता है, प्लूरा, प्लूराइट। तो वहां पर हम देखते हैं कि ओपनिंग है इसकी स्पायरिकल कुछ इस तरीके से, जो कि वॉल्व है ओपन क्लोज होते रहते हैं। और यहां से हमने क्या देखा, यहां से हमने देखा कि ट्रेकिया जो है वो कुछ इस तरीके से बाहर निकल रहा है और इसकी ब्रांचिंग्स वगैरह होंगी। ट्रेकिया जो है वो आगे जा करके किसमें डिवाइड हो जाता है, ट्रेक्योल्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है, ट्रेक्योल्स में डिवाइड हो जाता है, जिनके एंड्स जो है वो कुछ इस तरीके से ओपन होंगे। इनके ऊपर काइटिनेस, काइटिन का बना हुआ इस तरीके से रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो बच्चों वो भी प्रेजेंट होती है ट्रेकिया के ऊपर, कुछ इस तरीके से ऐसा होता है ट्रेकिया। ये तो क्या है, ये ओपनिंग क्या है, ये है स्पायरिकल, ये क्या है बच्चों, ट्रेकिया है। ट्रेकिया पे काइटिन की रिंग भी है, और यदि हम ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर जो इसके ऊपर एपिथेलियल लाइनिंग है बच्चों वो भी हमें दिखाई देगी, कुछ इस तरीके से एपिथेलियल लाइनिंग जो है वो प्रेजेंट होती है यहाँ पर, कुछ इस तरीके से न्यूक्लियस है। और ये भी इसका सेल होता है बच्चों, ट्रेक्यूल्स का सेल, ठीक है। तो ट्रेकिया और ये क्या है, ये है ट्रेक्यूल्स। तो बच्चों यहां पर क्या होगा, ये ट्रेकिया जो है वो डायरेक्टली ओपन होगा किसके अंदर, हीमोसील के अंदर। ये किसके अंदर ओपन हो जाएगा, यहां पर हीमोसील के अंदर। और यहां पर ही क्या है, यहां पर टिश्यूज हैं, बॉडी ऑर्गन हैं या टिश्यूज हैं, तो क्या होगा, डायरेक्टली डिफ्यूजन के थ्रू गैसेस एक्सचेंज जो है वो यहाँ पर हो जाता है। ये है टिश्यू बॉडी ऑर्गन के। तो इस तरीके का होता है इनके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसके अंदर क्या है, ओपनिंग जो है उसे हम स्पायरिकल बोलते हैं, जो कि कितने हैं बच्चों, ये स्पायरिकल्स जो है वो 10 पेयर होते हैं, 2 पेयर थोरिक्स पे, 8 पेयर एब्डोमिन पे। और इनके अंदर रेस्पिरेशन के लिए क्या होगा, ट्रेकिया होगा, और ट्रेकिया जो है वो आगे की तरफ ब्रांचिंग्स बनाता है हीमोलिम्फ में और ट्रेक्यूल्स, और डायरेक्ट एक्सचेंज के थ्रू गैसेस, मतलब गैसेस एक्सचेंज जो है वो होता है किसके थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद में बच्चों यदि हम बात करें एक्सक्रीशन की, तो हालांकि हमने एक्सक्रीशन की बात बच्चों पहले ही कर ली कि मालपिगियन ट्यूब्यूल जो है उसके थ्रू एक्सक्रीशन होता है, जिसमें ग्लैंडुलर और सिलिएटेड सेल्स जो है वो लाइन करती हैं, ग्लैंडुलर सेल्स होती हैं, सिलिएटेड सेल्स होती हैं, और नाइट्रोजनस वेस्ट जो है बच्चों उसे एब्जॉर्ब करके हीमोसील से कन्वर्ट करता है किसके अंदर, यूरिक एसिड के अंदर, और यूरिक एसिड जो है वो हैंडगट के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। इनके अलावा फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट और यूरिकोज ग्लैंड जो है वो भी हेल्प करते हैं एक्सक्रीशन की प्रोसेस में, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट एक्सक्रीशन के लिए आप लोग ध्यान रखना कि इनके अंदर फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट और यूरिकोज ग्लैंड भी होते हैं, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट जो सिस्टम की हम बात कर रहे हैं वो है क्या, नर्वस सिस्टम। अब देखो बच्चों नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच, जब कॉकरोच का नर्वस सिस्टम देख रहे बच्चों, तो अगेन क्या किसका बना हुआ होगा, बहुत सारे गैंग्लिया वगैरह होंगे और नर्व कॉर्ड्स वगैरह होंगे। बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पर जो इनका नर्वस सिस्टम होता है वो किसका बना हुआ है, कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ फ्यूज्ड सेगमेंटली अरेंज गैंग्लिया। क्या क्या है बच्चों इसके अंदर, सेगमेंटल और सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया, सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया होते हैं, और क्या होता है बच्चों, और लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव्स ऑन वेंट्रल साइड, पेयर ऑफ longitudinal
लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स, लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव्स और नर्व कॉर्ड्स प्रेजेंट वेंट्रली। और बच्चों ये डायग्राम में आप बहुत इजीली से देख भी सकते हो कि यहाँ पर क्या देख रहे हो बच्चों, कि ये जो गैंग्लियन है, सेरेब्रल गैंग्लियन जो है बच्चों, वो कहाँ पर प्रेजेंट है? सेरेब्रल गैंग्लियन जो है वो हम देख रहे हैं कि ईसोफेगस वाले पोर्शन के पास में प्रेजेंट है। यहाँ पर सब ईसोफेगस गैंग्लियन है, सेरेब्रल गैंग्लियन है, सरकम ईसोफेजल कनेक्टिव्स हैं जो नर्व हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका क्या बन गया है, ये इसका ब्रेन बन गया, यही इसका क्या है, ब्रेन है। अब बच्चों देखो ब्रेन कहाँ पर प्रेजेंट है, हेड के अंदर प्रेजेंट है या हेड से पोस्टीरियरली प्रेजेंट है? तो आप देख रहे हो हेड से पोस्टीरियरली प्रेजेंट है। इसीलिए क्या होता है बच्चों, यदि हम कॉकरोच के हेड को कट कर दें तो उसकी इमीडिएटली डेथ नहीं होगी, बल्कि वो अराउंड 10-15 डेज जो है वो जिंदा रह सकता है, और उसकी डेथ जो है वो किससे होगी, फूड जो नहीं खा पाने की वजह से उसकी डेथ होगी, यानी सर कटने के बाद भी वो जिंदा रह सकता है कुछ दिनों तक, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा बच्चों, इस तरीके से देखा हमने कि किस तरीके से इसका ब्रेन बना है। उसके बाद थोरेसिक गैंग्लियन की बात करें तो कितने थोरेसिक गैंग्लियन देख रहे हैं आपको, 1, 2 एंड 3, मींस 3 इसके अंदर क्या है, थोरेसिक गैंग्लियन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और एब्डोमेन में देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब 6 जो है वो एब्डोमिनल गैंग्लियन है। तो बच्चों ये ध्यान रखोगे कि इनके अंदर कितने गैंग्लियन, 3 थोरेसिक एंड 6 एब्डोमिनल गैंग्लियन होते हैं, गैंग्लियन, ठीक है, ये प्रेजेंट है। और बच्चों अटैच्ड हैं किससे, ये अटैच्ड हैं किसके थ्रू, जो पेयर ऑफ वेंट्रल नर्व कॉर्ड है या कनेक्टिव्स हैं उसके थ्रू ये अटैच्ड होते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर एक और भी बात क्या देख रहे हो आप, ये जो सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन है, इसको हम सेरेब्रल गैंग्लियन भी बोल रहे हैं, क्या है ये, ये है सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन। बच्चों ये सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन जो है, गैंग्लियन यही क्या है इसका, यही इसका ब्रेन है। और बच्चों यहीं से ब्रेन से नर्व जो है वो सप्लाई किसको, एंटीना है या आई है, तो उनको भी सप्लाई जो है वो यहाँ से होती है। तो बच्चों ध्यान रखना कि इनका ब्रेन कौन बनाता है, सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन बनाता है। और यदि हम इसका हेड कट कर देंगे तो भी ये पार्ट कट नहीं होने की वजह से ये कुछ दिनों तक सर्वाइव कर जाएगा, ठीक है। तो ऐसा होता है नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम के बाद में बच्चों नेक्स्ट हम बात कर देते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, देखते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। बच्चों कॉकरोच की बात करें तो ये किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है बच्चों, ये डायोशियस है, डायोशियस यानी यूनिसेक्सुअल टाइप का होगा। मेल और फीमेल जो है वो अलग अलग होते हैं। और बच्चों यहाँ पर मेल और फीमेल जो है यदि हम इनकी बात करें तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी होता है, और कैसे इनके अंदर डिफरेंस होते हैं वो भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर डायोशियस कंडीशन है और वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें हम, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम क्या देखते हैं बच्चों कि 4th to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट जो है वहां पर पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होता है। यानी यहाँ पर बच्चों डायग्राम में देखोगे तो टेस्टिस जो है वो दिख रहा है आपको, ये टेस्टिस कहाँ पर प्रेजेंट होता है बच्चों, ये टेस्टिस जो होता है वो 4th to टेस्टिस जो है, पेयर ऑफ टेस्टिस जो है दैट इज प्रेजेंट इन 4th to 6th सेगमेंट, 4th to 6th सेगमेंट जो है वो उसमें प्रेजेंट होता है। और बच्चों हर एक टेस्ट से आप क्या देख रहे हो, ये वास डेफरेंस जो है वो निकल रहा है, क्या निकल रहा है, वास डेफरेंस जो है वो इससे निकल रहा है, ठीक है बच्चों। तो टेस्टिस से क्या होता है, वास डेफरेंस जो है वो निकलता है, और ये वास डेफरेंस जो है ये यहां से जाकर के ओपन होगा किसके अंदर, ये ओपन होगा इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर, वास डिफरेंस निकला और वो जाकर के ओपन होता है किसके अंदर, ये जो इजैकुलेटरी डक्ट दिख रहा है बच्चों आपको उसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है बच्चों, इसके ये एक तो वास डिफरेंस ओपन हो रहा है और साथ में जो सेमाइनल वेसिकल है बच्चों
वो भी उसकी भी ग्लैंड्स जो है, सेमिनल ग्लैंड्स वगैरह जो है बच्चों, वो भी यहाँ पर ओपन होता है। सेमिनल वेसिकल जो है वो भी ओपन होती है। ये दिख रहा है बच्चों यहाँ पर सेमिनल वेसिकल। तो सेमिनल वेसिकल और वास डिफरेंस जो है वो दोनों ओपन हो रहे हैं किसके अंदर, इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर। ठीक है बच्चों। और यहाँ पर जो एक स्पेसिफिक अच्छा बच्चों, इजैकुलेटरी डक्ट जो है वो किस में ओपन हो जाएगा, वो ओपन हो जाएगा मेल गोनोपोर के अंदर। यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये क्या है, मेल गोनोपोर है। तो यहाँ पर ओपन होगा कौन, इजैकुलेटरी डक्ट होगा। ठीक है। और यहाँ पर बच्चों एक स्पेसिफिक टाइप की एब्डोमिनल ग्लैंड जो है, मशरूम शेप ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होता है सिक्स्थ और सेवेंथ एब्डोमिनल सेगमेंट में, जो कि एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का काम करता है। इसके अलावा बच्चों यहाँ पर एक ग्लैंड और भी होता है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, फैलिक ग्लैंड। क्या है यहाँ पर, फैलिक ग्लैंड है। ये भी एसेसरी ग्लैंड होता है बच्चों, इसे हम कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है। और इसका भी सिक्रेशन जो बच्चों वो क्या करेगा, सीमेन इनके स्पर्म को कोगुलेट करने में हेल्प करता है। तो फैलिक ग्लैंड जो है वो यहाँ पर है। और बच्चों इसके लिए भी एक डक्ट है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, कॉन्ग्लोबेट डक्ट बोल सकते हैं, ये वाला जो डक्ट होता है। ठीक है। और दूसरा क्या है, इजैकुलेटरी डक्ट है। अब ये बच्चों ये सारा का सारा ओपन, अच्छा यहाँ पर बच्चों ये जो मशरूम ग्लैंड है उसके अंदर स्मॉल और लॉन्ग ट्यूब्यूल्स जो है वो भी आप देख पा रहे हो। ठीक है। अब बच्चों ये ओपन होता है किसके अंदर, यहाँ पर ये गोनिपोफाइसिस वाला जो मेल जेनिटल पाउच वाला जो पोर्शन है बच्चों, वो यहाँ पर आपको दिख रहा है, जहाँ पर क्या होते हैं, जहाँ पर बहुत सारे फेलोमियर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो काइटिनस प्लेट है प्रेजेंट होते हैं। जैसे राइट फेलोमियर होगा, लेफ्ट फेलोमियर्स होंगे। ठीक है बच्चों। देन इसके बाद में वेंट्रल फेलोमियर होगा। ठीक है। स्यूडो पेनिस यहाँ पर प्रेजेंट होता है। एनल सर्कस जो है बच्चों, जैसे कि हमने बात किया था 10th सेगमेंट में, वो प्रेजेंट होगा। एनल स्टाइल जो है वो प्रेजेंट होगा। टिटिलेटर जो है वो प्रेजेंट होता है। तो ऐसे सेगमेंट्स जो हैं वो सब यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, जो कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है वो बनाते हैं। तो ये मेल गोनेपोफाइसिस वाला पोर्शन होगा बच्चों, जिसे हम बहुत सारे फेलोपियन जो बहुत सारे फेलोमियर्स हैं वो सब मिल करके बना रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर जो फेलोमियर्स हैं, फेलोमियर्स फॉर्म्स मेल गोनेपोफाइसिस। ठीक है बच्चों। और ये जो है वो किससे बन रहा है, ये बन रहा है राइट लेफ्ट वेंट्रल, ये सारे फेलोमियर्स के थ्रू बन रहा है। ठीक है। और ये बच्चों यहाँ पर क्या करते हैं, ये मेल गोनोपोर जो है इसको सराउंड करते हैं, ये वाला पोर्शन जो है ये क्या है, मेल गोनोपोर है। ठीक है बच्चों। ठीक है। तो द स्पर्म आर स्टोर्ड इन द सेमिनल वेसिकल एंड आर ग्लूड टुगेदर टू फॉर्म बंडल्स कॉल्ड स्पर्मेटोफोर। बच्चों यहाँ पर ये ध्यान रखना कि स्पर्म जो है वो किस फॉर्म में होगा, कोगुलेटेड फॉर्म में, और क्या बोलते हैं उसको हम, स्पर्मेटोफोर बोलते हैं। स्पर्मेटोफोर क्या है बच्चों, ग्लूड स्पर्म विद द फ्लूड ऑफ और विद द सिक्रेशन ऑफ, किसका सिक्रेशन है बच्चों, सिक्रेशन ऑफ सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल, तो सेमिनल वेसिकल के सिक्रेशन की वजह से क्या हुआ, जो स्पर्म्स हैं वो ग्लूड हो गए, बंडल के फॉर्म में आ गए, और उस बंडल को ही हम क्या बोल रहे हैं, स्पर्मेटोफोर हम बोल देते हैं। और जब कॉपुलेशन की प्रोसेस होगी तो उस टाइम पर क्या होगा बच्चों, इसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा किसके अंदर, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है या फीमेल गोनोपोर जो है बच्चों, उसके अंदर इसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तो इस तरीके का होता है क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखो बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख रहे हैं हम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पर ये बना हुआ है किसका, हम देख रहे हैं ये बना हुआ है वन पेयर ऑफ ओवरी का। कितने ओवरी दिख रहे हैं, वन पेयर ऑफ ओवरी दिख रहे हैं। और बच्चों ये ओवरी कौन से सेगमेंट में होते हैं, ओवरी जो है वो प्रेजेंट होता है सेकेंड टू सिक्स सेगमेंट में, सेकेंड टू सिक्स सेगमेंट। बच्चों ये सेकेंड टू सिक्स सेगमेंट में प्रेजेंट है। और बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हो कि बहुत सारे ऐसे लग रहे हैं कि जैसे डक्ट लाइक स्ट्रक्चर जो है उसका बना हुआ है। ठीक है। तो ये बना हुआ किसका होता है, ये एट ओवेरियन ट्यूब्यूल्स जो है उसका बना होता है। यानी यहाँ पर बच्चों एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ईच ओवरी इज मेड अप ऑफ
6 to 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स। तो 6 to 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स जो होते हैं बच्चों, उसका बना होता है, इसे हम ओवेरियोल्स भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ओवेरियोल्स। 6 to 8 भी नहीं बच्चों, मोस्टली हम देखते हैं कि 8 ही होता है। तो 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल या ओवेरियोल्स जो है उसका बना होता है ईच ओवरी, ठीक है। और ये दोनों ओवरी जो है बच्चों, ये क्या हो जा रहे हैं, ये आप देख रहे हो यहाँ पर, ये दोनों ओवरी और ये क्या है, ये इनके ओवेरियोल्स हैं। तो ये ओविडक्ट के थ्रू, ये ओविडक्ट वाला पोर्शन हो गया और ओविडक्ट के थ्रू ओपन हो गया किसके अंदर, एक कॉमन चैम्बर के अंदर, मीडियन प्लेन में आके ये एक कॉमन चैम्बर में ओपन हो गया, जिसको हम क्या बोल दे रहे हैं आप, कॉमन ओविडक्ट और वजाइना। तो ये कॉमन ओविडक्ट या वजाइना के अंदर ओपन हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो इन्होंने क्या किया, दोनों ओविडक्टों ने मिलकर के एक मीडियन ओविडक्ट या वजाइना बना दिया। और अब ये ओपन होगा किसके अंदर, वजाइनल चैम्बर के अंदर, ये जेनिटल चैम्बर जो है उसके अंदर। बच्चों यहाँ पर इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि कुछ और भी स्ट्रक्चर है, क्या है यहाँ पर, वन पेयर ऑफ कोलेट्रल ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ये देख रहे हो आप, कोलेट्रल ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट है। और साथ ही वन पेयर स्पर्मेथिका जो है वो भी प्रेजेंट होता है, स्पर्मेथिका जो है बच्चों सिक्स्थ सेगमेंट जो है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारा ओपन हो गया किसके अंदर, ये सारा ओपन हो गया जो जेनिटल चैम्बर है उसके अंदर। यहाँ पर प्रेजेंट होगा क्या, गोनेपोफाइसेस, और बच्चों यहाँ पर जो चैम्बर है उसे हम वेस्टिबुलम भी बोलते हैं, जो जेनिटल चैम्बर है उसे हम वेस्टिबुलम बोलते हैं। ये पूरा का पूरा मिलके क्या बना रहा है, जेनिटल पाउच का फॉर्मेशन कर देता है। अब क्या होगा बच्चों, जब कॉपुलेशन का टाइम होगा, फर्टिलाइजेशन का टाइम होगा, तब उस टाइम पर क्या होता है कि स्पर्म जो है वो इसके अंदर ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। स्पर्मेटोफोर जो है, क्योंकि स्पर्म किस फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है बच्चों, स्पर्मेटोफोर के फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है। और फर्टिलाइज एग जो है वो कैप्सूल के अंदर एनक्लोज हो जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन स्पर्म इज ट्रांसफर्ड। स्पर्म भी क्या, किस फॉर्म में बच्चों, यहाँ पर स्पर्म जो है वो स्पर्मेटोफॉर्म की फॉर्म है, स्पर्मेटोफोर, ग्लूड था बच्चों, याद है। तो क्या क्या, दैट इज ट्रांसफर्ड टू जेनिटल पाउच। और बच्चों इसी जेनिटल पाउच में क्या आ गया, यहाँ पर एग आ गए हैं, तो क्या हो जाएगा, एग जो है वो फर्टिलाइज हो जाएगा। और ये फर्टिलाइज एग जो होते बच्चों, वो एक कैप्सूल के अंदर कवर्ड हो जाते हैं, जिसे हम क्या बोल देते हैं, ऊथिका। तो यहाँ पर फर्टिलाइज्ड एग इज कवर्ड इन ऊथिका, ऊथिका जो है उसके अंदर कवर हो जाएंगे बच्चों। और यहाँ पर यदि हम बात करें कि ऊथिका की स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो ऊथिका जो होता है बच्चों वो कैसा होता है, वो रेड कलर का होता है, रेड और या रेडिश बोल सकते हैं, डार्क रेडिश और ब्लैक कलर का होता है, ठीक है बच्चों। और क्या करता है इसका, यदि हम देखें कि ब्राउन कैप्सूल है और अराउंड 8 mm लॉन्ग होता है, उथिका कितना लंबा होगा, 8 mm लॉन्ग स्ट्रक्चर होती है उथिका की, ठीक है। और क्या करेगा बच्चों, ये जो कॉकरोच है ये क्या करता है, जो कहीं पे राफ्ट वगैरह होते हैं, कहीं दरार है, कोई नमी वाली जगह है, वहाँ पर ये इसे क्या करता है, उस सरफेस के ऊपर ड्रॉप कर देता है, ग्लूड कर देता है, चिपका देता है, ठीक है। और इसके लिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ पर ये मोस्टली अपने उथिका जो है उनको ले कर देता है, ठीक है। और फीमेल जो है बच्चों वो क्या करती है, फीमेल जो है नॉर्मली एक बार में 9 to 10 उथिका जो है वो प्रोड्यूस करती है। और बच्चों ईच उथिका के अंदर यदि हम बात करें तो कितने एग होते हैं, एक बार जो उथिका, मतलब एक उथिका जो है बच्चों उसके अंदर 14 to 16 एग्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये फिर डेवलप हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, डेवलप होने के बाद में अब इनसे यंग वन जो है वो निकलेंगे। और यहाँ पर बच्चों यदि मैं बात करूँ कि इनके अंदर मॉल्टिंग है, डेवलपमेंट कैसा होता है, तो इनके अंदर डेवलपमेंट होता है कैसा,
पैरा मेटाबोलस जो पोरो मेटाबोलस टाइप जो है उस टाइप का डेवलपमेंट होता है। इनके अंदर क्या होता है बच्चों, पोरो मेटाबोलस डेवलपमेंट, ऐसा डेवलपमेंट जो है वो इनके अंदर देखने को मिलता है। और बच्चों इनके अंदर निम्फ स्टेज जो है, निम्फल स्टेज जो है बच्चों वो आती है। और कितनी बार मोल्टिंग होता है इनके अंदर, मोल्टिंग जो है वो 13 बार होगा, ध्यान रखना, मोल्टिंग अकर्स 13 टाइम बिफोर इट रीचेज टू एडल्ट फॉर्म, बिफोर इट रीचेज टू एडल्ट फॉर्म। ठीक है बच्चों, तो एडल्ट फॉर्म में आने से पहले ये 13 टाइम जो है वो क्या करेगा, मोल्टिंग करेगा, यानी नेक्स्ट निम्फल स्टेज जो है वो एक के बाद एक आती रहती हैं, और लास्ट में जाकर के क्या होगा, जब 13th मोल्टिंग होगी उसके बाद इसके अंदर क्या हो जाएगा, विंग्स वगैरह का फॉर्मेशन होगा। उससे पहले इनके अंदर विंग्स जो है वो नहीं मिलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमने देखा क्या कि किस तरीके से उसका डेवलपमेंट होता है। तो सारे सिस्टम्स जो हैं, एनाटॉमी जो है और सारे सिस्टम्स जो हैं वो हम कॉकरोच के पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चों, कॉकरोच के लिए यदि हम बात करें तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तो कुछ ऐसा नहीं है, और लेकिन ये क्या होते हैं, नॉर्मली घरों में प्रेजेंट होते हैं, और इनके ऊपर कुछ पेस्ट वगैरह जो इनके ऊपर कुछ जो माइक्रोब्स वगैरह जो हैं वो हो सकते हैं, ये उनको कैरी कर सकते हैं, कुछ डिजीज़ वगैरह जो हैं वो फैला सकते हैं, या फिर फूड सब्सटेंस जो है उनको कॉन्टामिनेट कर सकते हैं, तो इस तरीके से ये हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ में कॉकरोच जो है वो आज के लेक्चर में हमने डिटेल में बात किया बच्चों। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय।